क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है बामर सीरीज की वो है लैम्डा। तो हमसे पूछा गया द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द ब्रैकेट सीरीज इज, तो ब्रैकेट सीरीज की शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बामर की बात करूं तो सबसे इसमें आपको ध्यान होगा कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से जंप करा देते हैं। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, 1 बाय बामर के लिए 2 आ जाता है N1 और N2 क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, 1 बाय इन्फिनिटी। तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा R/4, तो लैम्डा इक्वल टू कितना 4/R। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी से जंप करा देते हैं, है ना। तो ये तो बामर की वेवलेंथ कितनी आ गई 4/R। अब ब्रैकेट कौन सी सीरीज होती है, फोर्थ वाली, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट, ब्रैकेट फोर्थ वाली होती है, ठीक। तो फोर्थ सीरीज है ब्रैकेट, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/∞, क्योंकि उसकी भी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं, ठीक है ना। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन ब्रैकेट सीरीज इज, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या लगाते हैं 1 बाय लैम्डा ब्रैकेट इक्वल टू आर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/∞, तो 1/∞ हो जाएगा 0। तो लैम्डा बामर अगर मैं इसे 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है 16, तो ये कितना आ जाएगा 16/R। 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 4/R, 4/R किसकी वैल्यू है लैम्डा की, ठीक ना, 4/R लैम्डा की वैल्यू है। तो लैम्डा और ब्रैकेट सीरीज कितनी आ गई 4 times of लैम्डा, क्लियर। ऑप्शन 3।